सर राइट से राइट से अभिजात सर सर लेफ्ट से अभिजात सर आजा छुटने से क्या ये मिशन थोड़ा इधर चलो वाले राइट सर यहाँ से इधर सर इधर इधर है भैया वाह सर सर राइट में देखो इधर इधर देखा ही नहीं सर अरे बोल सर इधर देखिए हो गया हम इनका आ जाइए सर एक साथ सर यहाँ पे सर अभी राइट में देखो होल्ड होल्ड सर यहाँ पे देखो अरे रुको ना ये तो होने दो सुनो सुनो लेंगे एक सुनो 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 थोड़ा लेफ्ट बस बस रुक क्या प्लीज राइट सर राइट में राइट में थैंक यू लुक क्यों नहीं सेंटर पे मैम यहाँ पे देखो मैम राइट में राइट में मैडम मैम यहाँ पे जाना चलो उन्होंने वो घर देखा जो काफी लुट गया था कुछ था नहीं वहां तो ये फिल्म मैंने अपनी माँ के लिए बनाई है और फिर उन सब माओं के लिए बनाई है जो जगती कैंप में मुझे मिली जो कुछ यहाँ भी बैठी होंगी जिनकी सारी जिंदगी जो है वो उथल पुथल हो गया एक एक महीने में एक दिन में तो मैं वो छोटी सी आपको एक फिल्म बताना चाहता हूँ जो मेरी माँ जब हम लोग वापस गए थे कश्मीर तो मेरी माँ के वो मेरे असिस्टेंट्स ने कवर किया था फुटेज वो फुटेज ऐसे ही पड़ी थी हमने अभी उसको एडिट करके आपके लिए रेडी किया प्लीज़ आई विल शो यू दैट फिल्म थैंक यू मेरी माँ की कहानी तो है माँ ने इंस्पायर किया लेकिन जब मैं देखता हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चेहरे ये आप सबकी कहानी है हम सबका घर ऐसे ही छिन गया ये दूसरी बात है कि हमने बड़ी हिम्मत करके अपने पैरों पे अपने आप को खड़ा रखा लेकिन ये कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है अब मेरी माँ ने मुझे इंस्पायर किया ये फिल्म बनाने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे मरने से पहले कि बेटा हो सके तो कश्मीर पे हमको एक फिल्म जरूर बनाना तो 2007 में आफ्टर शी डाइड उसी साल मैंने 2008 में मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा 11 साल हो गया अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ 5-6 साल काम करते रहे बहुत मेहनत हुई लेकिन एंड में हमने जो काम किया है मैं समझता हूँ कि हम सब उस काम को लेके काफ़ी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं क्योंकि बहुत हिम्मत का काम था ये कहानी सुनाना लोगों को और ये कहानी ऐसे सुनाना कि लोग आके देखें फिल्म आज कोई फिल्म देखने जाता है आप पीवीआर में कहीं आते हैं तो 200-400 की टिकट होती है हम ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे कि दो लोग देखें और बोले हाँ यार ये बड़ा बुरा हुआ हम ये फिल्म बनाना चाहते थे कि आप देखिए हमारे साथ क्या हुआ लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं हमारी जिंदगी में होप है हम लोग यहाँ सेटल हैं हम लोग भिखारी नहीं हैं हम लोग सरकार के आगे हाथ फैला के नहीं खड़े हुए हम अपने पैरों पे खड़े हैं ये बहुत बड़ी बात है छोटी बात नहीं है तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे ये कैमराज वगैरह को बंद कर दीजिए प्लीज अब मैं आधा घंटा आपको फिल्म दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में कैसे रियल रेफ्यूजी पंडित जो हैं रियल पीपल जो हैं उन्होंने काम किया है मैं ये आपको और ये मीडिया के थ्रू सारे देश को बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार ऐसी फिल्म बनी है कहीं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कि जिनके ऊपर ये घटा है जो रियल लोग हैं द्वारका नाथ जी हैं बंसीलाल जी हैं यहाँ फिल्म में डेजी है नैन्सी पड्रू है जो मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है ये उन लोगों ने खुद खड़े होकर अपने ऊपर अपने अपने आप में फिल्म बनाई ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और शायद कभी होगा नहीं तो आप देखिए अब ये कैमरे सब आमंत्रित किधर है या कैमरे बंद करा दीजिए सब
चाहता हूं कि ये तालियों की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैले। गॉड ब्लेस यू सर। सारा हिंदुस्तान देखे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम यहां खड़े। ये जो लोग, मैं भावुक हो जाता हूं क्योंकि जो लोग मैं देखता हूं, बंसीलाल जी जो चिल्ला रहे हैं कि मुझे ले जाइए कश्मीर, वो अब है नहीं। उनको स्टमक कैंसर, जब मैं खाना खाता था तो मैं उनको कहता बंसीलाल जी पद क्षमा, ट्रांसलेटेड फॉर पीपल हु डोंट नो कश्मीरी मींस के लेट्स हैव फूड, मतलब आई एम नॉट वेल टुडे। एक्चुअली ही हैड कैंसर विच आई केम टू नो बिकॉज आफ्टर द शूट 2-3 मंथ्स लेटर ही डाइड, ही हैड स्टमक कैंसर, बट डिस्पाइट दैट 28 दिन रात वो हमारे साथ बैठे थे। It's a tribute to the Pandit community, to us, to our mothers, and I want you guys to tell the whole country, the whole world, come and see what happened to us. Come, let us tell us. You know, we 30 साल तक हमारा किसी ने नहीं सुना, 30 साल हो गए, हमारी कहानी तो छुपी गई। 11 साल की मैं समझता हूँ ये तपस्या है, ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, मूवमेंट है अगर मैं मानूं तो। और ये मूवमेंट ये है कि हमारी कहानी अब पूरा हिंदुस्तान सुने। आप लोगों में जिनको, जिनके पास ये ट्विटर वगैरह होता है, बोलिए सबको, जाइए देखिए ये हमारे साथ हुआ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट द वर्ल्ड नो कि देयर आर पीपल, पीपल लाइक बंसीलाल, पीपल लाइक नैंसी पड्डू, हु स्पेंड डेज एंड नाइट। हम लोगों के लिए आदत है, रात पूरी रात गुजर जाती थी। कुछ वीडियोज हैं आप अगर देखें शिकारा डायरीज में, अब हम सब आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे थे, तो रात रात भर इन लोगों ने ना बैठ के काम किया। और एक रात को जब मैं थक गया था तो कीर्तन हो रहा था इन लगे, वो देखिएगा जरूर यूट्यूब में। तो इन लोगों की वजह से मेरा साहस बढ़ा। मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरी जिंदगी के 11 साल जो है सफल हो गए। ये ऐसी कहानी है जिसको कहना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो मैं बार बार ये सोचता था मैं लिखूं, लेकिन ऐसी कहानी लिखूं कि लोग सिनेमा में जाके देखें, ऐसा ना हो कि ये दिन एक दिन लगे दूसरे दिन उतर जाए तो हमारी कहानी फिर अधूरी रह जाए। तो उसके लिए एक बहुत बड़े फिल्म मेकर है स्वीडन के, इंगमार बर्गमन, तो उनके 3 प्रिंसिपल हैं, 3 उन्होंने हमको अपना जो धर्मयुद्ध के लिए जो 3 उन्होंने बताया करने के लिए, उनमें पहला है कि दो शेल एंटरटेन, विच मींस बेसिकली कि यू हैव टू एंटरटेन। जो आदमी, हम लोगों के तो जाती जिंदगी है, लेकिन जो आदमी 200-300 की टिकट खरीदता है उसको 200-300 रुपए का एंटरटेनमेंट हो, नहीं तो बोर हो जाएगा। ये इंगमार बर्गमन ने कहा। और दूसरा कहा है कि दो शेल एंटरटेन विदाउट सेलिंग योर सोल, और ये बहुत मुश्किल है कि अपना जमीर बेचे बगैर आप ऐसी फिल्म बनाएं कि लोग पैसे लेके देखें। इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ जितने लोग हैं, मैं हूँ, अभिजात जोशी हैं, इरशाद कामली, बच्चे जो सादिया, इतने मेरा पूरा क्रू है। अगर हमने लगे रहो मुन्ना भाई बनाई तो हमने गांधीगिरी दुनिया तक पहुंचाई, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचा। हमने ये फिल्म बनाई है ताकि लोगों तक हमारी कहानी पहुंचे, और हमने बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनाई जैसे लगे रहो मुन्ना भाई था, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचा, जो हुआ है वही दिखाया। जैसा आपने बस, अब मैं और ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, बस ये कहूंगा कि इसको आइए देखिए, बार बार देखिए ये फिल्म, लोग देखें तो उनको पता चले कि सिनेमा होता क्या है। और मैं बाकी फिल्मों से अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत जिन लोगों ने की है, ऐसा बहुत इम्पॉसिबल, ऐसी फिल्में बनाई नहीं जा सकती, ये बन जाती है, भगवान का इसके ऊपर हाथ होता है। ये बन गई है, जिन लोगों ने मेरी मदद की, सबसे पहले मैं अभिजात जोशी को बुलाऊंगा,
पांच छह साल इन्होंने जिंदगी के लगाए हैं, एक पैसा नहीं लिया। बहुत अच्छे राइटर हैं, पीके लिखी है, थ्री इडियट लिखी है, लगे रमन्ना भाई लिखी है, संजू लिखी, बेचारे लगे रहे। और इनको पहले बुलाऊंगा, फिर इरशाद साहब को बुलाऊंगा, फिर सबको बुलाऊंगा मैं अपने क्रू को, और अंत में आपके साथ दिया और इनसे मिलवाऊंगा आदिल से। आइए हम जाते हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि विनोद चोपड़ा वॉज बॉर्न टू मेक दिस फिल्म। उन्होंने कई और फिल्में बनाई हैं, लेकिन अगर किसी एक चीज के लिए इंसान का जन्म होता है तो उनका ये फिल्म बनाने के लिए जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोगों के साथ कुछ फिल्म्स जुड़ जाती है, हम रिचर्ड एटेनबरो के साथ गांधी जुड़ गए, वो 34 साल के थे जब उन्होंने ये ड्रीम देखा कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा, वो 52 साल के हो गए, 18 साल लगे उन्हें जब वो फिल्म लॉन्च कर पाए। और हॉलीवुड में सबको पता था कि उनको 5 और फिल्म डायरेक्ट करनी पड़ी, कई फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी गांधी फिल्म बनाने के लिए। मैं ये मानता हूं कि विधु विनोद चोपड़ा ने आज से पहले जो कुछ किया है, दैट वॉज जस्ट अ प्रेपरेशन फॉर दिस फिल्म। दिस इज अनडाउटेडली हिज मोस्ट पर्सनल फिल्म। I met him for the first time in 1994, and from that point on, I have seen him mention that I have seen this dream that he wanted somehow to honor the pain that all of you have felt. And we felt that we are not really qualified. We are not really qualified to tell this story. In a way, till Rahul Pandita's book came out. And so I want to talk about Rahul Pandita's book, Our Moon Has Blood Clots. It's a great book. And when I read that book, I felt that I can now dare to contribute to this movie. Because aapke jo aansu hai, wo unhone kahin pe jhel liye the us kitab mein. और फिर हमारे लिए मुमकिन था कि उन आंसुओं के जो मोती थे उनका हार हम पिरो सकते थे। और जब ये हार पिरोने हमने शुरू किया, तो सिर्फ ये जो आपने जो हिस्सा देखा फिल्म का, ये बहुत ग्रिम हिस्सा है, वो बहुत टफ हिस्सा है, लेकिन उसके पहले की जो फिल्म है उनमें कई किस्से ऐसे हैं जो विनोद मैं मिला तब से मुझे हंसाया करते थे वो किस्से सुना के। It's the Kashmir of his youth, the Kashmir that he lost. Pula Deshpande has talked about his lost youth, and he said, "How green was my valley," you know. And it's that feeling, and he had nurtured that feeling for 25 years. How green was my valley, and this film is a tribute to that valley that he lost. And when I saw him work on this film. At his age, it has taken him longer than it took Attenborough. It took Attenborough 18 years. I believe it has taken him 30 years to make this film. And when he started making this film, he defied age. It's not easy to work with 4,000 actors in unbelievable circumstances, shooting night long in the Kashmir cold, in shooting places which I don't think any film has ever been shot, facing threats and still continuing, because he wanted to tell this story. And it's a very big thing for me that he has told this story, and in 25 years I have never seen him utter one bad word about any community or any religion. He has made this film with total integrity and without bitterness. And I think that is his greatest quality. I remember another director, Vittorio De Sica, who made the film Bicycle Thieves, Bicycle Thief. And when Hollywood, when that film, which was a gritty, realistic film, when it became famous,
Hollywood wanted to remake that film. And De Sica refused because Hollywood's condition was that Cary Grant, the famous star, would act in that film. And De Sica believed that it would be impossible for a big star to capture the realism and the grit that he was looking for. And in this film, Vinod has worked with two young actors who have never acted before, but they are undiscovered diamonds. And he has taken those diamonds. He has taken those diamonds and he has polished them. And he has polished them for 2 years. I have seen him rehearse with these actors as I have never seen him rehearse in my life. For 8 hours, for 2 full years, these guys were on call and he was making them act and then making them forget to act so that they live those roles. And that, you know, is your greatest achievement. I bow down to you. और इरशाद कामिल, इन्होंने इतना लिखा है इस फिल्म के, इतने गाने, इतने लिरिक्स लिखे हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई पब्लिशर यहाँ है तो उनके पास एक किताब रेडी है बनाने के लिए. कोई लिखते ही गए, हम उसको कहते रहे और बेहतर कीजिए, और ये करते गए इरशाद कामिल. बात यहाँ से मुझे लगता है शुरू करनी चाहिए कि 2017 की बात थी और विनोद जी के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि विनोद जी बात करना चाहते हैं. मैंने बात की तो विनोद जी ने कहा, इरशाद मैं तेनू मिलना है. मैं कहा जी अच्छा जी, मैं बताओ कब आऊँ. मैं तुम्हें बताता हूँ कब मिलना. अब वो 3 महीने गुजर गए, मुझे कोई कॉल नहीं आया. और विनोद जी ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करना, जिनके साथ बैठना, जिनकी बातें सुनना, जिनसे सीखना, मुझे लगता बहुत कम लोगों को नसीब होता है. जिनको नसीब हो जाए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ लें. फिर 3 महीने बाद कॉल आया कि इरशाद मैं मिलना है. मैंने कहा जी बताओ, मैं तो तैयार हूँ, कब आऊँ. तो ये मिड 2017 की बात है और वहाँ से ये चलते चलते बात एंड तक पहुँच गई और एंड से फिर अगले साल की फरवरी में आ गई. मैं डायरी पे देख रहा था ये, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है. मतलब ये 9 फरवरी 2017 को पहली बार इनसे मुलाकात हुई और मुझे कहते कि मैंने बड़ा सोचा मैं किसको लूं, कौन है जो फिल्म में है पर फिल्मी ना हो, जो मेरी पिक्चर को थोड़ा सा समझ ले, जो मैं कहना चाहता हूं वो पहुंचा दे लोगों तक. फिर मैंने तेरी एक किताब पढ़ी, एक महीना नज़मों का, और किताब पढ़ने के बाद मुझे एक नज़म तेरी बहुत अच्छी लगी निम्बो. तो मुझे लगा यही है लड़का, इसी को बुला लेता हूँ मैं. और इन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ाई शिकारा की. मुझे ऐसा लगा कि ये इतिहास का वो पन्ना है, इतिहास की किताब का वो पन्ना है जिसे इरशाद कामिल तुम्हें मोड़ के रख लेना चाहिए, जिसे दोबारा पढ़ना चाहिए, जिससे कुछ सीखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए और जिसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने लफ्ज देने चाहिए, अपने एहसास देने चाहिए, अपने अल्फाज देने चाहिए. और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया. एक के बाद एक नज़म, एक के बाद एक गज़ल, एक के बाद एक गीत. और ये सच बात है कि बहुत कुछ लिखा गया इस पिक्चर के लिए. और अच्छी पिक्चरें, आप सब पिक्चरें देखते हैं, पिक्चरों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी पिक्चरें बनती रही हैं, बनती रहेंगी. सच्ची पिक्चरें बहुत कम बनी हैं और बहुत कम बनेंगी, ये सच्ची पिक्चर.
अच्छी पिक्चर में आप फिक्शन डाल सकते हैं, सच्ची पिक्चर में वो गुंजाइश नहीं होती। आपको उन एहसासों का, उन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। आपको वो सारे जो घटनाएं परिघटनाएं होती हैं उनको इतने एंटरटेनिंग मनोरंजक तरीके से आपके सामने लोगों के सामने लाना होता है कि बात कुछ कह भी दी जाए और कुछ अनकही भी रह जाए। तो यही सिलसिला चलता रहा, बहुत देर तक चला, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ सीखा इस पिक्चर के साथ काम करते हुए, विनोद जी के साथ काम करते हुए। और खासियत ये है इनकी कि ये आपका पोटेंशियल आपसे पहले जान लेते हैं। इनको पता होता है कि इस इंसान की उड़ान कहाँ तक है, ये इंसान कितना गहरा है, ये कहाँ पहुंच सकता है। नहीं इरशाद कुछ और, नहीं इरशाद कहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक गाना अटेम्प्ट कर रहा था, शुरू में मैंने इनको बताया कि सर ऐसा है कुछ के सब कुछ है इस घर में तेरे होने से, सब कुछ है इस घर में तेरे होने से, झूठ लगे तो पूछ ले कोने कोने से। तो कहते अच्छा है, बहुत अच्छा, पर तू और वधिया लिख सकता है। तो एक और अटेम्प्ट हुई जो आपने गाना अभी बीच में आप सुनेंगे कि कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, तेरे होने से घर भरा सा लगे। ये वो बात थी जो शायद इनको पता था कि मेरे अंदर कहीं पड़ी हुई है, जो इन्होंने देख ली थी, जो मैं जहां जो मेरे मुझसे भी नजरअंदाज हो गई थी। तो आपसे बेहतर लिखवाने का, आपको उस जगह ले जाने का, आपको एक सच्चा इंसान बना, एक सच्ची लाइन लिखने में, एक सच्चा डायलॉग लिखने में, एक सच्ची पोइट्री की का मिसरा लिखने में आप यकीन मानिए बहुत देर लगती है, बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होती है और बहुत गहरे जाना पड़ता है एक सच्ची बात लिखने के लिए। और ये एक सच का जखीरा है, ये पिक्चर एक सच का खजाना है, एक इतिहास की गवाही है और एक जरूरी दस्तक भी है आज के समय। मोहब्बत की बात करती है और मोहब्बत की बात हमेशा खरी होती है, तो ये खरी बात कर रही है। बच्चा अपनी बात यहां खत्म करता हूं ये कहते हुए जो इन्होंने ही मुझसे लिखवाई थी, एक छोटी सी नज़म लिखवाई, बहुत है जैसे इन्होंने कहा, मैं कभी फुर्सत में फिर सुनाऊंगा वो सब चीजें आपको। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी, ये पढ़ते पढ़ते मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं, आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं, आज भी तुम पे है नजर मेरी, आज भी तुमसे ही नजारे हैं। जिंदगी मिल भी गई और कुछ मुकर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। तो ये इरशाद कामिल साहब थे जिन्होंने बहुत गजब की गजलें, गजब के गाने लिखे हैं इस फिल्म के लिए। अब मैं सारे क्रू से आपको मिलवाना चाहूँगा, अब मैं बुलाना चाहता हूँ सारे क्रू को, भैया खुद ही आ जाइए क्योंकि सबको मैं, आइए योगेश जी, आइए अनुजा, कौन कौन है भैया, नितिन धर आप पहले आइए, अपने सब उनको लेके जिन्होंने मदद की है, तीन वॉलंटियर्स को लेके, आमिर है यहाँ, वो रेड चिलीज का मैक है जिन्होंने वो बनाया, धर्म हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, आइए प्लीज सब आइए। अरे हाउ आर यू, ये सब ये इन लोगों ने, वो कुणाल है हमारे, शिखर,
ये अभय जोशी जी हैं हमारे एक्टिंग के, ये अमनप्रीत वहां खड़ा है, अभिषेक दुबे, जस कोहली जिन्होंने बनाया, प्लीज कम एवरीबॉडी, वो प्लीज कम लोकेशी शशांक एंड अंकित प्लीज कम, थैंक यू. दीज आर आवर वॉलंटियर्स फ्रॉम आवर ग्रुप कॉल्ड यंग मॉडल एंड दे हेल्प मी अ लॉट टू मेक योर अटेंडेंस पॉसिबल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो. शिल्पा है यहाँ कहीं, शिखा प्लीज कम एवरीबॉडी, किधर है? हाँ भैया आ जाओ, वेट किसकी कर रहे हैं ना, किसकी वेट कर रही है? अच्छी वेट कर, विजय जी प्लीज. तो ये सब लोग जो थे ये आ रहे धीरे धीरे, अभी कोई रह गया तो प्लीज खुद ही आ जाओ यार, मैं किसको इसको ढूंढू यहाँ. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो है, दिस इज माई आर्मी. कहाँ है निशांत भैया? पर्सनल इनविटेशन की वेट मत करो प्लीज, कोई और रह गया तो आ जाओ. ये लोग नहीं है, ये पूरी आर्मी है. और तीन लोग तो आप जानते ही हैं जो नितिन धर के साथ थे, ये पूरी आर्मी ने ये फिल्म बनाई है. ये इसके बगैर नहीं है, एक आर्मी नहीं बनी है. ये शिल्पा जी हैं जिन्होंने ये सब किया है, ये इनके साथ, ये मैक हैं जिन्होंने हमारा ये कलर करेक्शन, ये जो कलर आप देख रहे हैं, इतनी कलर करेक्शन इसने जिंदगी में नहीं की है. क्योंकि पंडितों के घर होते थे, मैंने कहता ऐसे नहीं होते थे, तो ये बेचारा लग रहा था. ये वॉलंटियर को आप जानते हैं, मेरे को एडिटर हैं शिखर, इन्होंने एडिट की है फिल्म मेरे साथ जो आप देख रहे हैं. अरे जी बराबर. और एक और बात मैं आपको, रंगा नहीं है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ. ये सब जो लड़के हैं इन्होंने कभी पहले फीचर फिल्म पे काम नहीं किया, इनकी पहली फीचर फिल्म है. और शायद इसीलिए इतनी अच्छी बनी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि फीचर फिल्में कितनी खराब होती है. ये अभय जी ने एक्टर को कोच किया है, शिखा जी ने पूरा ये मार्केटिंग किया है, विजय जी तो हमारे चीफ है, बॉस है इसके, फॉक्स के, कंपनी से जिन्होंने कलर करेक्शन किए, मेरे को प्रोड्यूसर हैं योगेश. कंपनी में एक ही आदमी है जो मुझको डांट लगाता है, वो ये है जिन्होंने पूरा ये एक्शन जो आप देख रहे थे आमिर अमीरा कदल में किलिंग वगैरह, वो इन्होंने किया. एक्शन डायरेक्टर है हमारे, बहुत मुश्किल था, समय कम था. ये कुणाल फर्स्ट असिस्टेंट थे, वहां धर्म जी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बुरा हाल था. वो एक और बनेगा, एक छोटा आप देखिएगा, जसकवर कोहली वहाँ पीछे लाल में खड़े, उन्होंने बनाया है कि अमीरा कदल में शूटिंग कैसे हुई. हमको सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे, 6 बजे सुबह से 8:30 बजे तक नहीं कर निकलेंगे तो फिर हम कुछ नहीं किया, हंस रहे पीछे. तो ये लोग जो थे इन सब ने सुना था कि आप आएंगे तो आपका ठीक नहीं होगा आशा. और वो रात को ये कब रिलीज कर रहे हैं वो अमीरा कदल, 2-4 दिन में करेंगे, आप देखिएगा यूट्यूब में. जब रात को ये हुआ कि हम जाएंगे तो ये सब ऐसे घबराए हुए थे कि जाएं कि नहीं जाएं. तो मुझसे इन्होंने पूछा कि जाएं सर, आप बोलेंगे तो चले जाएंगे. तो सारे लोग वहाँ एकदम आर्मी की तरह खड़े रहे और इन्होंने वो सीन शूट किया जो आप देख रहे हैं. अमीरा कदल में ही हुआ वो, नवीन सत्रु अगर आपको मालूम है, वो एक्चुअली अपना कोट लेने गए थे, वो रियलिटी है, वो कोर्ट लेने गए थे और वो वहां उनको गोली मारी गई थी. जो हुआ है वो हमने दिखाया है, बहुत मुश्किल था. ये नितिन धर को तो आप जानते ही हैं, ये टेनी है जिन्होंने पूरी साउंड की है फिल्म की बहुत अच्छे से. ये यश है मार्केटिंग में. और ये अभिषेक दुबे जो सबसे पीछे खड़े हैं, ये बिजनेस हेड है, ये इस तरफ के बॉस है. इनका सबसे बिजी, जब आप दफ्तर में आए तो इनके दोनों कानों में 2 फोन लगे रहते हैं, पता नहीं 2 फोन पे कैसे बात करते हैं सेम टाइम. तो ये अमनप्रीत हैं जिन्होंने ये पूरा मैनेज किया है. और वो रहना वहाँ हंस रही है वो है. और वो निशांत खड़ा है जिन्होंने पूरा ये मैनेज किया. और ये अनुजा है एंड में जो मेरे पे बहुत हुक्म चलाती है, ऐसा करिए, इधर बैठिए, इधर कीजिए, खाइए पिए. तो ये पूरा मेरा आर्मी है, आदि इधर है, आदि अभी नहीं है यहाँ. जैसे रंगा है जिन्होंने कैमरा मैन का काम किया, उन्होंने उनकी भी पहली फीचर फिल्म है, उन्होंने कभी फीचर फिल्म नहीं बनाई. अंत में मैं इन 2 लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने भी कभी फीचर फिल्म नहीं बनाई है, और इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड में आपको इरशाद कामिल साहब की 2 पोएम सुना दें एक एक करके. उसके बाद फिर आप सब लोग घर जाइए और लोगों को कहिए कि ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है.
फोटो भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, पहले इनको करने दीजिए। लोग बैठे हैं, इनकी सबकी कहानी, अगर एक 20 साल खड़े रहे हैं, बने चुप रहे हैं, आप इस मिनट रह जाइए, क्या प्रॉब्लम है। हर जगह सुनने वाला काम हो गया सब अच्छे से। Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being a part of this screening. Thank you so much for all the love and appreciation. It's a wonderful feeling to be here. आप लोगों ने जो 20 साल में जो जर्नी जी है, वो हम लोगों ने 2.5 साल में जीने की कुछ कोशिश करी, और उससे ये महसूस हुआ कि आप लोग बहुत ब्रेव लोग हैं। There's a huge amount of respect for all of you. Thank you so much. एक नज़्म है जो कि इस फिल्म में इस्तेमाल की गई है, आप जब फिल्म आगे की देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इरशाद काबिल साहब ने वो नज़्म लिखी है, बारी शहजादी नाम है नज़्म का। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्चुअली वेरी स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू हियर, थैंक यू सो मच। I'll start with this nazm, which is written by Irshad Kamil. Thank you so much for writing this beautiful poem. Saath chalna hai hame, saath rehna hai hame, zindagi ki dhoop mein, har fiza barsaat mein, khwahishon, khamoshiyon, khwab aur jazbaat mein, saath rehna hai hame, saath chalna hai hame. Thank you so much. तो जैसा मैं कह रहा था, इरशाद कामिल साहब की लिखी हुई नज़्म है वादी शहजादी। दिस नज़्म रिप्रेजेंट्स द फीलिंग्स द थॉट्स ऑफ अ कश्मीरी पंडित हु हैज बीन मिसिंग हिज होमलैंड फॉर मेनी मेनी इयर्स, एंड व्हाइल ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज जन्नत, दीज आर द थॉट्स व्हिच वर रनिंग इन हिज माइंड। ए वादी शहजादी, बोलो कैसी हो, क्या आप भी वहां सैर शिकारा करते हैं, चार चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं, क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलाना करते हैं। ए वादी शहजादी, बोलो कैसी हो, क्या अब भी तुम सबसे सुनहरी होती हो, या गर्मी की नर दोपहरी होती हो, क्या अब भी जब शाम का सूरज ढलता है कच्चे घर के छत पे ठहरी होती हो। ए वादी शहजादी, अपनी क्या लिखूं, हर पल तेरी याद सताती रहती है, आती जाती हर एक सांस ये कहती है, एक दिन तुझसे मिलने वापस आऊंगा, क्या है दिल में सब कुछ तुझे बताऊंगा, कुछ बरसों से टूट गया हूं खंडित हूं, वादी
तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं। Can I take this opportunity to say something about Vidhu sir? I don't know how this has happened. He has just, I would actually speak on the behalf of both of us, me and Sadia. He has just changed our lives. And he has also changed us as human beings. Being around him, he's an institution. Being around him is a constant learning. I would like to tell you guys the first incident which happened जब मैं सर से पहली बार मिला था वो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस्म के टैलेंटेड हैं सर सर किस लेवल के जीनियस हैं तो इन्होंने मेरे कुछ टेप्स देखे थे और मुझे फिर बुलाया मिलने को इनके ऑफिस में कांटा के ऑफिस में और मैं उसी वक्त मुझे पता चला था कि जिसके लिए मैं ऑडिशन दे रहा था वो विनोद विनोद चोपड़ा की फिल्म है तब तक मुझे आइडिया नहीं था सो मैं मेरी टांगें हिल रही थी मैं बहुत नर्वस था जब मैं पहुंचा वहां पर तो उन्होंने मेरा जो पहला टेप था सर आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर सर उन्होंने मेरा बैंड्रा के ऑफिस में स्क्रीन पर टेप प्ले किया एंड आई एम वाचिंग द टेप और पूरे टाइम सर बैठे हुए और पूरे टाइम बोल रहे हैं कि बहुत बकवास एक्टिंग कर रहा है बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा है ये तो एक्टिंग कर रहा है तो बहुत बकवास और पूरे इट्स 8-9 मिनट्स का टेप और मैं बैठ के बाद सोच रहा हूँ कि फिर बुलाया क्यों फिर उस पूरे पार्ट के बीच में एक जगह उन्होंने बड़ा ऑफिस एडीज असिस्टेंट वहां पर जो बैठे थे उन्होंने बोला कि इसको पॉज कर 10 सेकंड पीछे ले जाओ और प्ले कर सो ही डिड दैट तो फिर मुझसे पूछते हैं कि तूने क्या देखा तो उस दौरान मैं कुछ कर नहीं रहा था मैं बस बैठा था तो क्या करा तूने तो मैंने बोला सर कुछ भी नहीं करा तो कहते फिर से प्ले कर सो ही आज दी एडी टू कीप रिपीटिंग इट दोस 10 सेकंड्स एंड देन आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट So he said कि इस 10 सेकंड के दौरान तूने एक जगह अपनी एक पलक झपकाई है और पूरे तेरे पूरे के पूरे एक्ट में ये एकमात्र ऐसा मोमेंट था जब तू ऑनेस्ट था when you were really honest he noticed that I think तो कहते हैं कि when you can do this right now it gives me hope कि you can probably do it more तो तू फिर से मेहनत कर और फिर से आपका टेप लेकर और फिर मैं घर जाकर मैं उस टेप को बार बार देख रहा कि यहाँ पर क्या ऑनेस्ट था बट यू नो इट took us like some time 2.5 years but I just want to hug you. Thank you so much. Thank you. मुझे ये बात बिल्कुल याद नहीं है पर वो ब्लिंक जो है वो हम यूट्यूब पे डाल देंगे आप देख लीजिए मुझे याद नहीं बहुत अच्छा I have to tell you before I go कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टैलेंट स्पॉट किया है बहुत ज्यादा अब मैं मेरी बीवी ने कहा कि अपनी बड़ाई मत करना तो मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन कोई अगर जर्नलिस्ट या कोई है ये बता दीजिएगा सबको बहुत लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया एक फंक्शन था फिल्म फेयर में 17 लोगों ने मुझे थैंक यू बोला था ऐसा मुझे बोला गया है तो इतना टैलेंट मैंने स्पॉट किया है मतलब विद्या बालन है पवन ईरानी है राजू हिरानी है संजय बंसाली ऐसे बहुत हैं शांतनु मोहतरा हैं शंकर ऐसा लोग बहुत बहुत नाम आपको मिलेंगे लेकिन ये दो बच्चे जो मैंने ढूंढ निकाले हैं एक भदरवा से जम्मू से एक भोपाल से हैं ये मुझे लगता है कि शायद मेरा बेस्ट टैलेंट स्पॉट है ये थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबॉडी रियली अप्रिशिएट इट्स योर फिल्म इट्स योर लाइफ सर आप हमेशा वहाँ से पहले स्टार्ट करें सर हीट होने वाली है मुझे अभी सब इधर देखेंगे सब हीट इधर है हीट होने वाली है मूवी अब इधर डाला उन दोनों को भी लो
सर हम दो कैरेक्टर जो एक्टर है उनको बुलाओ उनको भी ले लेना सर उनको फोकस अरे मैडम को बैठाओ मैडम को बैठा दो बैठिए आप बैठिए दत्ता आप अरे मैडम को बैठा दो यार कौन मैडम को भेजा वो बात पे बात पे बाद में बाद में बाद में सेल्फी बाद में पहले इधर अरे मैडम जी इधर देखो इधर मैडम बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्या बात है सर सेंटर में सड़क अभी राइट पे हो गया सर इधर थैंक यू चलो सर मैडम आपका ही फोटो आएगा बेटी आएंगे कि नहीं आएंगे पूरा पीछा ही लेंस लगा है पीछा अरे 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 उधर हो गया नहीं वेट वेट ये अरे पीछे मैडम आप पीछे पीछे बैठ जा बैठ जा बैठ जा थैंक यू रैंडम फोटो यार वेरी नाइस आदमी इधर देखो चलो चलो डन यार